अभिषेक, जैसे कि आप जानते हैं हमने ब्लैक कलर की क्रेटा तैयार करी है। इसमें हमने ज्यादा काम नहीं किया, इसमें हमने सीट्स करी है। सीट्स में पर एक चीज बताऊंगा, हमने इसमें डबल कुशनिंग करी है, कस्टमाइज सीट कवर्स हैं और इसमें वुडन पैनलिंग है। 3D फिनिश में है, 3D में कार्बन फिनिश से बेटर लगता है ये। आइए अब आपको लुक दिखाता हूँ। अब ये वुडन पैनलिंग है, ये पावर विंडो प्लेट्स हैं, ये 3D वुडन फिनिश है, ये 3D है, ये जापानीज वुडन फिनिश है। सेंटर पैनल अब आप चेकआउट करिए, सेंटर पैनल जो एसी का वेंट है ये 3D में है, 3D वुडन फिनिश है सेंटर पैनल। और इसमें जो हमने कंसोल के ऊपर का जो पैनल है ये भी हमने 3D में किया है, 3D जापानीज वुडन पैनलिंग है ये भी पूरी। इसकी लुक वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, ट्रूली अमेजिंग लग रहा है, मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। और अब आ जाते हैं सीट्स पे। सीट्स में जैसे कि आप देख रहे हैं हमने डबल कुशनिंग कर रखी है, ये डबल कुशनिंग है और इसमें जो हमने यही चीज़ मेंटेन करी है, सिल्वर स्टिचिंग मेंटेन करी है जो कि गाड़ी की इंटीरियर की थीम से मैचिंग है। और सेंटर पे हमने इसमें पंचिंग दी है और साइड्स प्लेन है, साइड्स पूरी प्लेन है, ऑल ब्लैक इंटीरियर है, ऑल ब्लैक और सिल्वर स्टिचिंग है साइड्स पे। अब आ जाते हैं सेंटर आर्मरेस्ट पे। सेंटर आर्मरेस्ट पे भी हमने यही थीम मेंटेन करी है, पूरा ब्लैक है और सिल्वर स्टिचिंग है। अब आ जाते हैं रियर सीट्स पे। अब आ जाते हैं रियर सीट्स पे। रियर सीट्स पे हमने वही थीम फॉलो करी है, सिल्वर स्टिचिंग है पूरे पे और सेंटर पे पंचिंग है। स्टॉक डिज़ाइन हमने मेंटेन किया है, वही थीम फॉलो करिए। और आ जाते हैं रियर आर्मरेस्ट। रियर आर्मरेस्ट की फिनिशिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें ग्लास होल्डर है और परफेक्ट फिनिशिंग है। और अब आ जाते हैं, ये हो गया रियर आर्मरेस्ट। अब आ जाते हैं फ्रंट सीट। अब आपको एक चीज़ बताऊंगा, कस्टमाइज सीट कवर और बकेट सीट कवर में डिफरेंस क्या होता है। कस्टमाइज सीट कवर जो होता है इसमें जो कारपेट होता है, जैसे आपका टॉप मॉडल गाड़ी में स्टिच्ड आता है वैसे ही स्टिच्ड होता है, और इसमें जैक टू जैक फिटिंग होती है जैसे आपकी टॉप मॉडल गाड़ियों में होती है, सेम एग्जैक्टली वही थीम फॉलो होती है। बेसिकली कस्टमाइज और बकेट सीट कवर में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कस्टमाइज सीट कवर हो गया जैसे आप एक टेलर मेड सीट कवर बनवा रहे हो, और बकेट सीट कवर हो गया रेडीमेड सीट कवर। जैसे कि आप जानते हैं गाड़ी आई है नवीन जी की गाड़ी है, और ये गाड़ी हमारे पास किसी के रेफरेंस से आई है। इनकी पहले गाड़ी हमने इनके फ्रेंड की करी थी ब्रेजा, तो हमारे पास जो मोस्टली गाड़ी आ रही है रेफरल की आ रही है ज़्यादातर, और रेफरल से ही हम चाहते हैं हमारा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो। अब आपको हमारा काम कैसा लगा ऑनेस्टली आप बताइए। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी फुलफिल है, और मैंने जो अभी देखा है अंदर पूरा बहुत क्लीन से और अच्छा, आपने जो मुझसे कहा था वो कमिटमेंट आपने पूरी करके दी है, और मुझे अपनी गाड़ी जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा वाव लग रही है। तो एक यही कहना चाहूँगा, एक वाव फीलिंग है और सेटिस्फेक्शन है, बस मार्केट में से ज़्यादा क्या चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और फॉर न्यू डिज़ाइंस, न्यू शेड्स, विजिट ऑटो शेड्स।